हेलो एवरीवन एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम पढ़ेंगे तृतीय खंड हमने हरीश उपाख्यान का पहला खंड पहली वीडियो में करा दूसरा खंड दूसरी वीडियो में कर लिया आज जो हमारी तीसरी वीडियो है उसमें हम करेंगे तृतीय खंड पहले अंक में हमने क्या पढ़ी थी नारद ने जो दस गाथाएं बताई हैं पुत्र के महत्व में दूसरे में क्या पढ़ा है दूसरे में हमने पढ़ा है कि किस तरह से उन्होंने एक 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 क्या दिए हैं एक्सक्यूजेस दिए हैं कि हम हम अपने पुत्र को आपका यज्ञ कब करेंगे हरिश्चंद्र ने किस प्रकार से अपने पुत्र को अपने पास रोके रखा है मोह में अब तृतीय खंड है द्वितीय खंड के अंक में जिस प्रकार से क्या हुआ था कौन रोहित अपना धनुष लेकर वन की ओर चला गया था अब हम पढ़ते हैं तृतीय खंड हमारा शुरू होता है तृतीय खंड में क्या है क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं अथ हे स्वांक वरुण जागर तस् जज्ञ तदुह रोहित सुशाव सौ ग्राम आये, ए आये, तम इंद्र पुरुषरूपेण प्रत्युवाच क्या कह रहे हैं अथ हेष्वांकु अब क्या हुआ हे श्वांकु ईश्वांकु वंश के जो राजा हैं कौन हरिश्चंद्र को वरुण ने पकड़ लिया क्या हुआ रोहित तो चला गया तो उसके बाद क्या हुआ के राजा हरिश्चंद्र ने वरुण को ही पकड़ लिया तस्य हो उदर है अर्थात उसका जो पेट था उसमें विकार उत्पन्न हो गया उदरम उदरम अर्थात पेट में उसमें क्या हुआ उस, उन्होंने इसमें लिखा हुआ है उनका पेट बढ़ गया अर्थात उनके जो पेट में क्या था एक हम कहेंगे उदर रोग था वो हो गया तदू है रोहित है सुषवाह फिर क्या हुआ रोहित तो वन में चला गया था रोहित ने तु तब रोहित ने ये बात सुनी अर्थात उनको पता चली वन में कि क्या हुआ है वरुण ने उनके स्थान पर उनके पिता को पकड़ लिया है बंदी बना लिया है और उनका जो है उदर रोग हो गया है सो आरण्यात ग्राम आरण्य से गांव की ओर चल पड़ा तब तब इंद्र रूप, पुरुष रूप में उसके पास आए और उससे बोले तब इंद्र के रूप में जो पुरुष पुरुष के रूप में इंद्र ने आकर के क्या कहा था रोहित से देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे इंद्र इंद्र आए किसके रूप में पुरुष के रूप में और क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नानक शांताय शीरस इति रोहित शुषुम पापो न ऋष्वद जन इंद्र इतरत सखा क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं अक्षांत अर्थात अक्षांत जो शांत नहीं है अशांत अशांत मतलब जो शांत नहीं है रोहित हे रोहित सुषूम ऐसा सुना गया है अशांत जो शांत ने नहीं है श्री लक्ष्मी उनको लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती और लक्ष्मी से क्या तत्पर है उनका संपत्ति अर्थात जो लोग शांत नहीं रहते अक्षांत हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है उनको संपत्ति प्राप्त नहीं होती है रोहित ऐसा सुना गया है और क्या कह रहे हैं वो कि कैसे ऋश्वद दरो अर्थात जो अच्छे व्यक्ति हैं जने हैं जो अच्छे मनुष्य हैं अच्छे आदमी हैं वो कैसे हो जाते हैं मनुष्यों के बीच में रहने पर पापौ पापी हो जाते हैं जो विद्वान है वो भी लोगों के बीच में रहने पर पापी हो जाते हैं इंद्रह इत चरत सखा इसीलिए भ्रमणशील चरत है जो चरत मतलब भ्रमणशील है चलने वाला है उसके इंद्र भी सखा मित्र होते हैं भ्रमणशील के तो इंद्र भी सखा अर्थात मित्र होते हैं क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शांत अशांत नहीं होते हैं क्या है अशांत व्यक्ति जो शांत नहीं होते हैं अर्थात जो शांत है उनको संपत्ति नहीं प्राप्त होती है ऐसा हमने सुना है जो विद्वान है वे भी लोगों के संपर्क में रहकर पापी हो जाते हैं भ्रमणशील व्यक्ति के इंद्र भी सखा होते हैं इसीलिए चलते रहो अर्थात घूमते रहो भ्रमण करते रहो ये हमारा पहला किन्होंने किन्होंने कहा था ये इंद्र ने जो की, किस रूप में आए थे पुरुष के रूप में अगला पढ़ते हैं अब उसके बाद क्या हुआ इंद्र ने तो कह दिया अब क्या है तदेन्द्रोहित संवादे प्रथम पर्याय दर्शित्वा द्वितीय पर्याय दर्शेति अब हमारा इंद्र और रोहित संवाद का प्रथम पर्याय तो दिखा दिया गया है हमें दर्शन हो गए उसके अब दूसरे को वो क्या कर रहे हैं बता रहे हैं कि दूसरा क्या था चरवैती वे माँ ब्राह्मणों अवाचोदिति अवाचोदिति द्वितीय संवत्सरम आरण्य चचार चरवेती घूमते रहो मां मुझे ब्राह्मण ने ऐसा कहा है ब्राह्मण मुझे ऐसा चरवे चलते रहो रोहित कह रहा है कि चलते रहो मुझे ऐसा ब्राह्मण ने कहा है द्वितीय दूसरे वर्ष भी वो आरण्य में घूमता रहा अर्थात वो वन में ही घूमता रहा सो आरण्याद ग्राम्य तम इंद्रपुरुष रूपेण प्रयाय प्रयत्यवाच फिर क्या हुआ अरण्य में इसी प्रकार से दो वर्ष हो गए आरण्य में तब जब वो अरण्य से वापस घर की ओर आने लगा ग्राम की ओर आने लगा तब इंद्र तब इंद्र ने पुरुष के रूप में आकर के कहा आत्मा फलग्राही शेर सर्वे ये है हमारा पापान है पापान है ये मन ही प हो गया पर श्रमेण प्रपथे हताह क्या कह रहे हैं वो चरत चरत है मतलब भ्रमणशील के अर्थात चलने वाले के चलने वाले व्यक्ति के जांघे पैर कहें हम पिंडली कहें चरण वो सब हमारी क्या है पैर उसको ली क्या कहेंगे हम पैर कैसे होते हैं पुष्प न्यो पुष्प के समान हल्के होते हैं चलने वाले व्यक्ति के पैर पुष्प के समान हल्के होते हैं क्या है और आत्मा उसकी जो आत्मा है वो कैसी हो जाती है फलग्राही उसके आत्मा को किसकी प्राप्ति होती है फल अर्थात आरोग्य की प्राप्ति होती है आत्मा से क्या पर आत्मा का मतलब हमारा मध्य देह अर्थात जो हमारा शरीर है उसको फल की प्राप्ति होती है फल से तात्पर्य है आरोग्य अर्थात हम स्वस्थ रहेंगे अगर हम भ्रमणशील होंगे तो हम कैसे होंगे स्वस्थ रहेंगे और हमें क्या होगी फल की प्राप्ति होगी क्या है आगे और उस व्यक्ति के क्या होता है सर्वे सभी पापान अर्थात पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और क्या होता है क्योंकि क्यों होते हैं उसके पाप नष्ट प्रपथे जो हमारा कठिन पथ है या कठिन रास्ता है उसके उस पर चलने के श्रमेण श्रम से वो सभी जो है पाप नष्ट हो जाते हैं अर्थात हम कठिन मार्ग पर चलेंगे तो उससे हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे लास्ट टाइम देखिए क्या है कि चलने वाले व्यक्ति के पैर फूलों के समान हल्के होते हैं और उसकी आत्मा को फल की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के क्या होता है सभी पाप नष्ट हो जाते हैं चलने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं क्योंकि कठिन मार्ग पर चलने के श्रम से वह सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं पर्याय दर्शती तृतीय देखते हैं क्या कि उन्होंने तृतीय पर्याय क्या दिया तृतीय पर्याय क्या है हमारा तृतीय पर्याय आया चरवी वे मह्मणु अवोद अवोचिद तृतीया संवत्सर मारण्य चार चरवेती चलते रहो भ्रमण करते रहो घूमते रहो माँ मुझे ऐसा ब्राह्मण ने कहा है इसलिए वह तृतीय वर्ष भी आरण्य में घूमता रहा सो आरण्याद ग्राम में ये फिर से ग्राम से वापस आने लगा जब वो आरण्य से वापस आने लगा ग्राम की ओर तब इंद्र पुरुष रूप में फिर से क्या हुआ इंद्र ने पुरुष के रूप में आकर के उसको कहा क्या कहा क्या, कहा? क्या, कहा? क्या, क्या कह रहे हैं आस्ते भग आसीन तिष्ठती तिष्ठते शेते से चराती चरतो भग। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कह रहे हैं आसीन अर्थात जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका भग भग से तात्पर्य पर भाग्य भी क्या होता है बैठा रहता है अर्थ और तिष्ठते है तिष्ठती तिष्ठती जो खड़े हैं खड़े वाले व्यक्तियों का कैसा होता है उनका भाग्य उदर्व ऊपर को खड़ा रहता है उधर वो मतलब ऊपर को खड़ा रहता है और क्या है निपद्य मानस से और जो व्यक्ति पड़े रहते हैं अर्थात लेटे रहते हैं उनका भाग्य कैसा हो जाता है शेते सोता ही रहता है उनका भाग्य और चराती चरतो भग और जो व्यक्ति भ्रमणशील करने वाले हैं अर्थात चलते रहते हैं उनका भाग्य भी क्या है भ्रमण करता रहता है अर्थात चलता रहता है और अधिक बढ़ता रहता है देखते हैं क्या था बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य भी बैठा रहता है खड़े खड़े इस अर्थात स्थिर स्थिर व्यक्ति का भाग्य रहता है और जो व्यक्ति पड़ा है अर्थात लेटा हुआ है उसका भाग्य सोता ही रहता है और परंतु जो भ्रमणशील व्यक्ति है उसका भाग्य भी आगे की ओर बढ़ता है और बढ़ता रहता है अब देखते हैं चतुर्थ पर्याय में क्या कह रहे हैं इंद्र फिर से चतुर्थ पर्याय है चतुर्थ में क्या हुआ चरवी वे माँ ब्राह्मण अवो अवोचित चलते रहो भ्रमण करते रहो माम मुझे ऐसा अरण्य से फिर ऐसा हुआ कि वो अरण्य से वापस आने लगा तब फिर से इंद्र ने पुरुष के रूप में आकर के उससे कहा अब क्या कह रहे हैं इंद्र इंद्र कह रहे हैं कली शयनो भवती संजी हासन हानस द्वापर है उत्तिष्ट त्रेता भवतीकृत संपाद्य चरण है क्या कह रहे हैं वो उन्होंने कहा है शयनु अर्थात नींद जो है वो कली का तात्पर्य है कलयुग के समान है नींद कैसी है कलयुग के समान है अर्थात शयनु जो व्यक्ति सोता रहता है वो क्या होता है कलयुग होता है अर्थात वो कलयुग है और जो व्यक्ति कैसा है अजनी जो अंगडाई ले रहा है अंगड़ाई ले रहा है वह द्वापर युग के समान है वो द्वापर है जो उठा हुआ है, वो त्रेता युग के समान है अर्थात जो अब देखिए जो लेटा हुआ था वो कलयुग के समान था जिसने अंगड़ाई ली वो द्वापर के समान हो गया जो उठा वो त्रेता के समान होता है कृ संपाद्य चरण है और कैसा व्यक्ति जो चलता रहता है या घूमता रहता है वो कैसा है कृत संपन्न होता है कैसा उसके पास सब कुछ है अर्थात उसके पास सब कुछ है युग को कहते हैं कृतयुग सबसे अच्छा युग माना जाता है इसीलिए उन्होंने कहा है वो कैसा है कृत युग के समान है अर्थात वहा सब अच्छा होगा उस व्यक्ति का क्या होगा उत्थान उत्कृष्ट होगा उसका हुँ. देखते हैं एक बार सोने वाला व्यक्ति कलयुग के समान है सोने वाला व्यक्ति कैसा है कलयुग के समान है और जो अंगड़ाई ले रहा है वो द्वापर के समान है सोने वाला व्यक्ति कलयुग के समान है अंगड़ाई लेने वाला द्वापर के समान है उत्तृष्टि उठना वाला व्यक्ति त्रेता के समान है और जो चलता रहता है वो कृतयुग के समान है और जो हमारे वेद पुरुष है उनमें कृतयुग को सबसे उत्तम माना गया है यहां देखिए इंपॉर्टेंट देखते हैं थोड़ा सा क्या कह रहे हैं वो शर्णाचार्य ने यहाँ कलयुग द्वापर त्रेता और नाम इन तीनों युगों के अर्थ में लिया है क्या ये उन्होंने नींद कलयुग के समाने, इन निंद्रा त्याग द्वापर के समान है उठ खड़े होना त्रेता के समान है और चलने लगना कृतयुग के समान है सबसे अच्छा ही है इसलिए चलने को समर्थन प्राप्त होता है ये व्याख्या कहाँ से प्राप्त हुई है संस्कृत लिटरेचर जो कि मैक्स मूलर ने लिखी उन्होंने ये इसमें उन्होंने जो युग बताए हैं उसके बारे में लिखा है उन्होंने आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं अब आता है पंचम पर्याय पंचम पर्याय में क्या कह रहे हैं वो पंचम पर्याय में कह रहे चरवे थी चलते रहो ऐसा मुझे ब्राह्मण ने कहा है इसीलिए वो पांचवें वर्ष भी चलता रहा अरण्य से घर आते समय वन से जब वो वापस आ, वहां पे आने लगा ग्राम में तब इंद्र पुरुष रूप में इंद्र ने आकर के उससे कहा क्या कहा चरण मधु विद्यंती चरण है स्वादुदुम्बरम सूर्य से पश्व इंद्र तरण है क्या कह रहे हैं चरण है मधु विद्यंती चलने वाला जो है वो मधुफल प्राप्त करता है चरवंती चलने वाला मधुफल प्राप्त करता है कैसा कैसा होता है उदुम्बर का फल है जो यहाँ पर दिए लिया है स्वादु उदुम्बरम अर्थात जो उदुम्बर का फल है वो कैसा होता है अच्छा होता है मीठा होता है गुलेर के फल को हम क्या कहते हैं उदुम्बर का फल कहते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि जो चलने वाला व्यक्ति है वो क्या प्राप्त करता है मधु पाता है मधु प्राप्त पाता है और चलते चलते उदम्बर के फल को प्राप्त करता है सूर्य से पश्व है श्रीमाण योन सूर्य से पशु श्रमाण यो न तदयंत्र चरण है और वो क्या कह रहे हैं सूर्य से सूर्य भी कैसा है हमेशा सूर्य की श्रेष्ठता देखिए वो भी क्या है चलता रहता है प्रति टाइम सूर्य से सूर्य की श्रीणाम श्रेष्ठता देखिए तद वह भी क्या है चरण है चलता रहता है अर्थात कभी भी आलस नहीं करता है कैसा है सूर्य भी हमेशा चलता रहता है कभी भी आलस नहीं करता है क्या है फिर देखते हैं एक बार शुरू से देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए चलते चलते ही व्यक्ति मधु का फल प्राप्त करता है भ्रमण से ही उसे उदुम्बर अर्थात जो हमारा गुलेर का फल है वो प्राप्त होता है सूर्य की श्रेष्ठता देखिए सूर्य की श्रेष्ठता देखिए क्या है वो इन वही वो भी क्या है कभी आलस नहीं करता है और हमेशा क्या है चरण है चलता रहता है इसीलिए तुम भी क्या करो चलते रहो अर्थात ये, ये वर्ष भी अरण्य में चलता रहा भ्रमण करता रहा परंतु अब क्या हुआ अब आगे चेंज हो गया इंद्र नहीं है इस बार उसके पास कि इंद्र आए और इंद्र उसको बताते आखिरकार चलने का क्या लाभ है वो फिर चलता ऐसा नहीं हुआ इस बार चेंज हो गया इस बार क्या हुआ सो अजीगर्त सो येवेम असि ऋषिम असन्या परिंत मरण्य उपेय क्या कह रहे हैं वो वो कह रहे हैं फिर क्या हुआ अरंड में भाई वो तो छठे वर्ष भी चल रहा था उसके बाद क्या हुआ छठे वर्ष में जब वो वन में घूम रहा था तो उसको क्या हुआ सोयवस अर्थात सुयवस के पुत्र के पुत्र अजीगर्त अजीगर्त जो ऋषि थे अजीगर्त ऋषि वो भूख के कारण वहां पर आरण्य में घूम रहे थे और वो उसको मिल गए फिर से देखते हैं एक बार वन में, वन में में क्या हुआ वन में सुयवश के पुत्र अजीगर्त ऋषि क्या थे ग्रस्त थे भूख के कारण भूख से भोजन की इच्छा से ग्रस्त थे और वो उनको मिल गए किनको मिल गए रोहित को अब देखते हैं आगे क्या हुआ अब आता है अभी तक इंद्र रोहित का संवाद चल रहा था अब किसका संवाद आएगा अर्थ रोहित रोहिताय संवाद दर्शती अब अर्थ किसका अजीगर्त और रोहित का संवाद आता है तस्य हेत्रिय पुत्रासु शुनु पुच्छ सुप शुनु आलंगुल आंगलुम इति क्या है तस्य हे तस्य उनके त्रिय तीन पुत्र थे उनके तीन पुत्र थे कौन कौन से शुन पुच्छ शुन शेप और शुन लांगुल अर्थात ये याद रखेंगे आप तीनों पुत्रों के नाम क्या हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि उनके तीन पुत्र कौन कौन से थे अर्थात उनके नाम क्या क्या थे फिर देखते हैं तो उनके तीन पुत्र थे तम हुआच उसने किसने रोहित ने कहा रोहित ने क्या कहा किससे अजीगत से कहा ऋष्यो अहम ते शाम दा है क्या कह रहे हैं वो भाई हे ऋषि ऋषि अहम मैं आपको क्या शतम सो गाय देता हूं हे ऋषि मैं आपको सो गाय देता हूं ऐश ऐश एकमेक ना तुम निष्क्रमिति अर्थात इनमें से एशाम ये जो है, एकेन आत्मने है। से आप अपना एक पुत्र मुझे दे दो एशाम एकेन आत्मने हैं आप इनमें से एक पुत्र मुझे दे दो जेष्ठ पुत्र निग्रहलाम उवाच तब जो ज्येष्ठ बड़ा पुत्र था उसको उन्होंने गले लगा करके क्या कहा अन्नमिति इसे नहीं अर्थात इसे नहीं दूंगा नु एवं और न ही इसे इति कनिष्ठ माता कनिष्ठा एक एक को एक का हाथ पकड़ करके उन्होंने खींचा और क्या कहा ज्येष्ठ बड़े पुत्र को मैं नहीं दूंगा अजीगर्त ने कहा और जो छोटा पुत्र था उसको माता ने ले लिया और उसको कहा इसे मैं नहीं दूंगी एवमिति मिति ना ही ये ना तो बड़ा पुत्र और ना ही सबसे छोटा पुत्र तो वह मध्य में क्या है अंश चक्र शून्य शेप फिर क्या हुआ उन दोनों के जो मध्य का पुत्र था कौन शून्य शेप उसको देने का निर्णय लिया तस्य हे शत शतम दत्वा शतम आदाय सो आरण्याद ग्रामी तस्य तब वह सो गाय दे करके और वो पुत्र ले करके आरण्य से कहा से गांव की ओर चल पड़ा एक बार फिर देख लीजिए उन अजीगर ऋषि के तीन पुत्र थे शून्य पुछ शून्य तब अज रोहित ने अजीगत से कहा कि हे ऋषि आपके तीन पुत्र हैं आप उनमें से मैं, मैं आपको सोगाएं दूंगा आप अपने पुत्रों में से एक पुत्र मुझे दे दीजिए तब ज्येष्ठ पुत्र को खींच करके एक तरफ को उन्होंने कहा ये नहीं यह भी नहीं छोटे को माता ने कह दिया तब उन्होंने मध्य पुत्र जो था सुनहशेप उसको देने का निर्णय किया तब वह सो गाय देकर के और पुत्र किसको सुनहशेप को लेकर के आरण्य से ग्राम की ओर चल पड़ा कौन रोहित आगे देखते हैं आगे क्या हुआ वो चल तो पड़ा आखिरकार उन्हें वरुण का यज्ञ करना था पढ़ा था हमने पहले में दूसरे दूसरे खंड में पढ़ा है हमने कि उन्हों को क्या करना है अपने पिता को छुड़ाना है और क्या करना है वरुण का जो राजा वरुण है उनका यज्ञ संपन्न करना है अब देखते हैं अब आगे क्या हुआ वह स वह अर्थात वह कौन रोहित पिता के पास गया और उनसे बोला वाच पिता के पास जाकर के उसने बोला क्या तत् तत् नहीं ये तात है तात पिता हंत एहन आत्मन है निष्कृणाम इति एनन इसके द्वारा किसके द्वारा शनुषेप के द्वारा अहम मैं आत्मन है अपने आप को मुक्त करता हूँ पिताजी मैं इसके द्वारा अपने आप को मुक्त करता हूँ स वरुण राजन राचनम उपास सारम स वह कौन हरिश्चंद्र वरुण राजा के पास गए और उनसे बोले कौन व, आम, रोहित आया रोहित ने अपने पापा से कहा कि पापा मैं इसके द्वारा अपने आप को मुक्त करता हूँ अब जो राजा हरीश थे वो गए वरुण के पास और उनसे बोला अन्नेन त्वायज्ञ इति अन्नेन इसके द्वारा मैं आपका यज्ञ करूंगा तथे इति उन्होंने कहा कि उन्होंने वरुण ने ऐसा ही हो भुयान वही ब्राह्मण क्षत्रियादित्य क्या हुआ फिर

फिर उन्होंने वरुण ने किसको तस्मा वरुण ने क्या किया फिर राज्य जो हमारा यज्ञ था उसके बारे में बताया था उसके क्या विधि है संपन्न है ये सब उन्होंने बताया तम एतत अभिषेचनीय पुरुषाम पशु लाभ है उसके बाद क्या हुआ जो अभिषेक के दिन तमेतत एत अभिषेचनीय अभिषेक का जब दिन आया तो उस दिन पशु पुरुषम जो रूपी अर्थात पुरुष रूपी जो बलि पशु की दी जानी थी उन्होंने उसको लिया अर्थात आदेश कर लिया कि ठीक है इसके द्वारा यज्ञ जो हो वो संपन्न हो एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए क्या है ए, आ, पिता पिता कौन रोहित ने पिता से आकर के कहा अपने पिता से आकर के कहा पिताजी मैं अपने अपने स्थान इस पर इसके द्वारा यज्ञ करूंगा हरिश्चंद्र उन्होंने वरुण राजा के पास जाकर के कहा अब मैं आपका यज्ञ करूंगा वरुण ने कहा ऐसा ही हो ब्राह्मण क्षत्रिय के स्थान पर आप ब्राह्मण से मेरा यज्ञ करेंगे मैं प्रसन्न हूं वरुण ने ऐसा कहा तब वरुण ने क्या किया उनको रोजो राजस्व यज्ञ के कर्मों का वर्णन किया राजस्व जो यज्ञ थे उनके वर्णों कर्मों का वर्णन किया अभिषेक के दिन इस पुरुष रूपी बलि पशु को उन्होंने लिया अर्थात उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया हम कहेंगे कि उन्होंने ये वो अगर वो कहते थे कि नहीं मुझे तो रोहित की बलि चाहिए तो उनको रोहित की बलि देनी पड़ती लेकिन वरुण राजा जो थे उन्होंने क्या कहा ठीक है मैं सम, मैं मेरे लिए ये भी मैं इससे संतुष्ट हूँ आप अगर क्षत्रिय की बजाय ब्राह्मण से मेरा यज्ञ करेंगे अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ इस प्रकार से हमारा जो चतुर्थ खंड था वो क्या हुआ संपन्न हुआ अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमारे हरिश्चंद्र के खंड समाप्त हो चुके हैं अब हम पढ़ेंगे पंचम पंचम फिर नई वीडियो के साथ एक दिन हाजिर होंगे तब तक के लिए आप इसको देखिए और अच्छे से मेहनत करके पढ़ लीजिए फिर मिलेंगे किसी दिन धन्यवाद